हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, सो लेट्स बी स्टार्ट। व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड और ह्यूमन। एंथ्रोपोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंथ्रोपोस विच मीन्स मैन और लॉगस मीन्स नॉलेज और स्टडी। ह्यूमन्स की स्टडी जो होती है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। The basic idea in this definition is that anthropology is an integrative science that tries to understand human in its totally. जो basic idea है इस definition का, मतलब है कि जो anthropology है वो एक integrative science है, एक ऐसी science है जिसमें केवल हम humans की ही study करते हैं। It studies biological diversity for a better understanding of human existence. और हम इसमें biological diversities की भी study करते हैं जिससे हम human existence को अच्छी तरह से समझ सकें। एम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इट्स मेन एम टू अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। इसका जो मेन एम होता है वो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को अच्छे से समझना होता है, उनके तौर तरीके वगैरह। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इंक्लूड्स बायोकल्चर, स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, द ओरिजन ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड इकोलॉजी ऑफ प्राइमेट एज वेल एज देयर बिहेवियर एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी होती है उसमें इंक्लूड्स होते हैं बायोकल्चर स्टडी, यानी जो हम बायोकल्चर स्टडी करते हैं ह्यूमंस की वो इंक्लूड होती है, ओरिजन ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज का ओरिजन कैसे हुआ, कंपैरेटिव एनाटॉमी की स्टडी करते हैं एंड इकोलॉजी ऑफ प्राइमेट्स, प्राइमेट्स की स्टडी करते हैं, एप्स लेमूर वगैरह, एज वेल एज देयर बिहेवियर एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और उनकी जो बिहेवियर कैसा है, उनका तौर तरीका कैसा है और उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, इसके बारे में हम एम स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर हाउ फंक्शन एंड बिहेवियर आर लिंक्ड इनटू द एनवायरनमेंट इन विच ह्यूमन बीइंग्स लिव्स। और हम ये भी एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका कैसे बिहेवियर उनका फंक्शन कैसे एक्सप्लोर हुआ, ये यानी कि हुआ तो हुआ कैसे। स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का आखिर स्कोप क्या है? तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन प्रोवाइडिंग ह्यूमन एक्सप्लेनेशन। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन एक्सप्लेनेशन में। इट हैज़ अ वाइड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस विच इज़ रिमार्केबल। इसका जो फॉरेंसिक साइंस में बहुत अच्छा स्कोप है, और भी ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की जिसमें अच्छा स्कोप है, जैसे कि डर्मेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोमेट्री एंड सीरोलॉजी आर सम ऑफ द फील्ड ऑफ फिजिकल एंड सरप्राइज दैट असिस्ट फॉरेंसिक साइंटिस्ट इन रिसर्च डेवलपमेंट। ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो देयर आर फोर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। फर्स्ट है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, दिस इज ऑल्सो नन एज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ये जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी की। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्टडी ऑफ प्राइमेटोलॉजी, प्राइमेट पैलियंटोलॉजी, यूजेनिक्स, फॉरेंसिक साइंस, ETC। और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी करते हैं प्राइमेटोलॉजी, प्राइमेट पैलियंटोलॉजी यानी फॉसिल्स की, और यूजेनिक्स, फॉरेंसिक साइंस। इट हैज़ टू अंडरस्टैंड द फिजिकल डिफरेंस एंड चेंज अमंग ह्यूमंस। इसके थ्रू हम ह्यूमंस में उनके फिजिकल डिफरेंस और चेंजेस को समझ सकते हैं इसकी स्टडी से। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डेट कंसिडर ह्यूमन एज बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। और ये एंथ्रोपोलॉजी के वह ब्रांच है जिसने ये कंसिडर किया है कि जो ह्यूमन है वो एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तो द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन एंड द सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नन एज सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी की वह ब्रांच जो सोशल साइंस इंस्टीट्यूशंस और सोशल कल्चरल एस्पेक्ट से रिलेट होती है या उसकी स्टडी करती है ह्यूमन लाइफ को समझने के लिए, वो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। द मेन एम ऑफ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी इन ह्यूमन बिहेवियर एंड अल्टीमेटली टू डेवलप अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो मेन एम होता है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का, वो यानी कि ह्यूमंस का बिहेवियर समझना होता है, ह्यूमन डाइवर्सिटी उनका बिहेवियर कैसा है एंड अल्टीमेटली और एक साइंस को डेवलप करना होता है ह्यूमन्स बिहेवियर के लिए। जो ह्यूमन्स बिहेवियर है उसके पीछे आखिर साइंस क्या है। थर्ड है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी,
The word archaeology is derived from two Greek words. Archaeos means ancient and logos means study. So archaeology is the study of human activity in past. जो archaeology word है वो Greek word से आया है, जिसका जो archaeology है, archaeos means होता है ancient and logos means होता है study. तो हम एंशियंट टाइम की यानी पास्ट की जो स्टडी करते हैं ह्यूमंस की वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है. इट डील्स विद द कल्चर एंड नॉन कल्चर रिमेंस. हम इसमें कल्चर और नॉन कल्चर रिमेंस की स्टडी करते हैं. इट रिकंस्ट्रक्ट प्री हिस्टोरिक पास्ट एंड अर्ली हिस्टोरिक सेटिंग्स ऑफ ह्यूमन काइंड. ये जो होता है ये जो प्री हिस्टोरिक पास्ट जो होता है जिसको हमने देखा नहीं है, पुराना जिसे हम प्राचीन अपना इतिहास कहते हैं, उसे और अर्ली हिस्टोरिक सेटिंग्स ऑफ ह्यूमन काइंड्स को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करती है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी नेक्स्ट वन इज. तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल एज वेल एज कल्चर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं. इट एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, इट्स यूजेज, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन इन रिलेशनशिप टू दी स्पेसिफिक कल्चर. हम इसमें लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करते हैं, इसके यूजेस के, वो लैंग्वेज कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ एंड क्लासिफिकेशन इन रिलेशनशिप टू दी स्पेसिफिक कल्चर. और जो स्पेसिफिक कल्चर है उसमें उसका क्या क्लासिफिकेशन है, क्या उसका रोल होता है, ये हम इसमें एग्जामिन करते हैं. लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में हम इसकी लैंग्वेज की स्टडी करते हैं. इट स्टडीज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन लैंग्वेज के जो फंक्शन होते हैं उनकी भी स्टडी करते हैं. एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू कल्चर बिहेवियर, और कैसे ये हमारे जो कल्चर बिहेवियर उससे रिलेटेड है, हम इसकी भी स्टडी करते हैं. थैंक यू गाइज, हियर माई